गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम मैं आपको सिखाऊंगी एक्टिविटी शेप सॉर्टिंग। शेप सॉर्टिंग का मतलब होता है आपका कि शेप्स के बारे में जानना, ठीक है। शेप सॉर्टिंग क्या होता है? शेप्स के बारे में जानना। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे आप देखें, सबसे पहले आपका बना हुआ है ये सर्कल। जो राउंड शेप में होता है उसको हम बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं उसको हम? सर्कल। ओके क्लास, नेक्स्ट देखें स्क्वायर, जिसकी फोर साइड इक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल, फिर है आपका ट्रायंगल, उसके बाद आपका दिया हुआ है हर्ट, और नेक्स्ट है आपका इसमें स्टार। ओके क्लास, अब आपको क्या करना है ये देखिए। मैंने कुछ शेप्स कट किए हैं, इसमें देखें कलर किए हैं मैंने इसमें, तो आपको इनके साथ इसको मैच करना है। ये जो फर्स्ट वाली शेप है ये ट्रायंगल की शेप है, जिसकी थ्री साइड्स इक्वल होती हैं, इसको आप ट्रायंगल के साथ रख देंगे। नेक्स्ट है आपकी कौन सी है ये आइडेंटिफाई करें आप, स्क्वायर, इसको आप स्क्वायर के साथ रखेंगे। नेक्स्ट है इसमें आपका हर्ट, इसको आप हर्ट की शेप को हर्ट की शेप के पास रख देंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इसमें स्टार, ये है आपका स्टार, इसको आप स्टार की शेप के साथ रखेंगे। और ये है आपका सर्कल, ये आप सर्कल के साथ रखेंगे। और लास्ट है आपका रेक्टेंगल, तो इसको आप किसके साथ रखेंगे? रेक्टेंगल के साथ रखेंगे। ओके क्लास, आपको अपनी नोटबुक में ऐसे ही शेप्स ड्रॉ करनी है, उनमें आपको कलर करने हैं, उनके नेम लिखने हैं, और आपको क्या करना है, कलर द शेप ट्रेन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन ब्लो। आपको एक ऐसे ट्रेन ड्रॉ करनी है, उसमें आपकी शेप्स होंगी। ओके, देखिए जैसे आपकी नीचे ये ट्रेन दी हुई है, इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है आपका, ये इसमें यूज़ हुआ हुआ है आपका सर्कल का यूज़ हुआ हुआ है ना, किसका यूज़ है? सर्कल। तो इसमें आपका ब्लू कलर दिया हुआ है, तो इसमें आप ब्लू कलर फिल करेंगे। रेक्टेंगल की जो शेप है उसमें येलो, स्क्वायर में ग्रीन, ट्रायंगल में आपका पिंक है, और हर्ट में आपका ब्राउन है। तो इसके बीच में आपको क्या करना है? ब्लू कलर करना है। और जो ये है आपका रेक्टेंगल, इसमें आप येलो कलर करेंगे। स्क्वायर में आपको कौन सा कलर दिया हुआ है? ग्रीन, तो इसमें आप ग्रीन करेंगे, और हर्ट में आप ब्राउन करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल, तो इसमें ब्राउन कलर करेंगे, और हर्ट में आपको कौन सा कलर करना है? रेड कलर करना है। ओके, अब ऐसे ही आपको एक दूसरी शेप ड्रॉ करनी है, कलर द शेप रॉकेट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। ओके, कलर द शेप रॉकेट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। ऐसे ही आपको ऊपर पिक्चर्स दी हुई हैं, शेप्स दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग जो उसमें कलर हुआ हुआ है वो आपको इसमें फिल करना है। जैसे कि आपका सबसे ऊपर दिया हुआ है आपका सर्कल, उसमें आप स्टार में आपको कौन सा कलर करना है? येलो करना है। और इसमें रेक्टेंगल की जो शेप है इसमें आप ग्रीन करेंगे, स्क्वायर में आपको पिंक करना है, और हर्ट में आपको रेड करना है। ओके, तो ऐसे ही आपको एक और शेप ड्रॉ करनी है। अपनी शीट पर वाइट शीट लेंगे आप, उसमें आप ऐसे ही शेप्स ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी मैच द ऑब्जेक्ट टू इट्स करेक्ट शेप्स। ओके, इसमें आपको क्या दिया हुआ है? एक साइड आपको शेप्स दी हुई हैं और दूसरी साइड आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, तो आपको इनको मैच करना है। कैसे मैच करना है आपको इसको? जैसे सबसे ऊपर राउंड शेप में आपकी बॉल दी हुई है, तो इसको आप सर्कल के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है आपका पिज़्ज़ा कट है, ये आपका ट्रायंगल शेप में है, तो इसको आप ट्रायंगल के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट आपका इसमें है स्क्वायर की शेप में गिफ्ट पैक दिया हुआ है, उसको आप स्क्वायर के साथ मैच करेंगे। लीफ की शेप है, तो इसको आप हर्ट के साथ मैच करेंगे। ये है आपका स्टार, स्टारफिश है, स्टार के साथ मैच कर देंगे इसको आप। नीचे हाँ, स्टार के साथ नीचे स्केल दी हुई है, ये आपकी रेक्टेंगल शेप में है, तो इसको आप रेक्टेंगल के साथ मैच कर देंगे। ओके, सर्कल के साथ आपको बॉल को मैच करना है। क्या मैच करना है? बॉल को मैच करना है। ओके, अब नेक्स्ट आप करेंगे ट्रेस द शेप। आपको ऐसे ट्रेस द शेप, ऐसे आपको इसमें डॉट्स में आपको ऐसे सर्कल बनाना है, और उस पर आपको पेंसिल से ऐसे ड्रॉ करना है इसको। ऐसे ही आपको रेक्टेंगल की शेप को डॉट्स में बनाना है, ट्रायंगल को भी ऐसे बनाना है, स्क्वायर को भी ऐसे बनाना है,
स्टार को भी ऐसे ही बनाएंगे और हार्ट की शेप को भी ऐसे ही आप इसमें फिल कर देंगे। ओके क्लास, समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है? आपको इसके ऊपर पेंसिल से ड्रॉ करना है। ये जो मैंने आपको 4 एक्टिविटीज़ आज कराई हैं, ये आप कंप्लीट करेंगे। ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, सभी को ये बनानी है। ओके, एक बार और देख लें आप, ये देखिए, इसमें मैंने जो आपको ये ट्रेन दिखाई थी, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कलर द शेप ट्रेन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बिलो। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, कलर्स दिए हुए हैं साइड में, जो जो कलर्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, ये सारे कलर्स आपको इनमें फिल करने हैं अपनी शेप्स के अकॉर्डिंग। जैसे सर्कल में ब्लू दिया हुआ है, तो इस ट्रेन में जितने भी सर्कल हैं उसमें आप ब्लू कलर करेंगे, जितने भी इसमें स्क्वायर हैं उसमें आप ग्रीन कलर करेंगे, जितने ट्राइंगल हैं उसमें आप पिंक कलर करेंगे, और जितने हर्ट हैं उसमें आप रेड कलर करेंगे। ओके, सर्कल में आपको ब्लू कलर करना है, रेक्टेंगल में आपको येलो कलर फिल करना है, ये आप ड्रॉ करेंगे और इसमें कलर करेंगे। स्क्वायर में आपको ग्रीन कलर फिल करना है, हर्ट में आपको रेड कलर फिल करना है। ये वाली एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है अपनी। वाइट कलर की आपको शीट लेनी है, उस पर आपको ये बनानी है। ओके क्लास, और नेक्स्ट आपका इसमें देखें, नेक्स्ट आपका इसमें दिया हुआ है कलर द शेप रॉकेट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। रॉकेट की डायरेक्शन कैसी होती है? रॉकेट की जो डायरेक्शन होती है वो ऊपर की साइड होती है, स्ट्रेट होता है, वो बिल्कुल ऊपर की साइड हवा में जाता है। ऐसे ही आपको इसमें भी शेप्स दी हुई हैं, उसमें भी कलर्स फिल हुए हुए हैं। तो जैसे पहले सर्कल है तो उसमें आप ऑरेंज कलर करेंगे, ट्राइंगल है तो उसमें आप स्काई ब्लू, स्टार में येल्लो करेंगे आप, और नेक्स्ट आपका इसमें रेक्टेंगल की शेप में ये है तो इसमें आप ग्रीन करेंगे, स्क्वायर में आप पिंक करेंगे, और हर्ट में आपको रेड कलर फिल करना है। तो सेकंड एक्टिविटी आप सेकंड शीट पे ये बनाएंगे। ओके, और इसमें आप बहुत सुंदर सा ड्रॉ करेंगे एक रॉकेट, और उसमें आपको कलर करना है। नेक्स्ट है आपका मैच द ऑब्जेक्ट टू इट्स करेक्ट शेप। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वन साइड पिक्चर्स ड्रॉ करनी है और नेक्स्ट साइड आपको ऐसे शेप्स ड्रॉ करनी है। तो इनको आपको मैच करना है। कैसे मैच करेंगे इसको हम? जैसे आपका फर्स्ट पे बॉल दिया हुआ है तो इसको आप सर्कल के साथ मैच करेंगे, क्योंकि बॉल भी राउंड होती है, सर्कल भी आपका राउंड होता है। नेक्स्ट है पिज़्ज़ा बेस कट, तो ये आपका ट्रायंगल शेप में है। नीचे आपका गिफ्ट दिया हुआ है तो ये आपका स्क्वायर शेप में है, तो इसको आप स्क्वायर के साथ मैच कर देंगे। लीफ है आपकी हर्ट शेप में, इसको आप हर्ट के साथ मैच करेंगे। स्टार फिश है आपकी स्टार की शेप में, तो इसको आप स्टार के साथ मैच कर देंगे। नीचे आपका स्केल दिया हुआ है, ये आपकी रेक्टेंगल शेप में है, तो इसको आप रेक्टेंगल के साथ मैच कर देंगे। ओके, ये आपको अपनी शीट पर भी ड्रॉ कर सकते हैं और नोटबुक में भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप शीट्स पे बनाएंगे तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा वो। नेक्स्ट आपका है ट्रेस द शेप। ऐसे ही आपको 6 शेप्स ड्रॉ करनी है, डॉट की शेप में आपको उसको डॉटेड करके आपको उसको ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपको उस पर क्या करना है, उसके बाद आपको उस पर पेंसिल से उसको डार्क करना है। ऐसे ही रेक्टेंगल को भी करना है, ट्रायंगल को भी फिल करना है, स्क्वायर को भी करना है, स्टार की शेप को करना है, और हर्ट की शेप को भी आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, नोटबुक में इसको ड्रॉ करके इस पर आपको पेंसिल चलाना है, और इसमें आपको अपनी जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आपको कलर करना है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपकी मैंने आज आपको 4 एक्टिविटीज़ कराई हैं, ये आप सभी को करनी है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप ड्रॉ करेंगे पहले इसको, उसके बाद आप इसमें कलर करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, घर पर रहेंगे, पढ़ाई के साथ साथ आपको एक्टिविटीज़ भी करनी है, जिससे कि आपका माइंड जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो और आपके माइंड में नई नई चीज़ों को, क्रिएटिविटी को सोचने का आपको मौका मिले, और आप सभी अच्छे से अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास, बाय। सभी बच्चों को ये एक्टिविटी कंप्लीट करके मुझे सेंड करनी है, सभी बच्चे मुझे सेंड करेंगे इसको कंप्लीट करके। ओके,
सभी को समझ में आई है एक्टिविटीज़? कंप्लीट करें आप इसको। ओके बाय।